आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme C67। और भाई साहब इसकी डिजाइनिंग बहुत ही कमाल की, इसकी प्राइस भी बहुत कम है और ये 5G के अंदर आता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर्स भी मिलते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। तो अगर आपने ये फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि यार सच में हमारे जो पैसे लगे हैं वो वसूल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि वॉलपेपर, थीम्स, फ़ॉन्ट वगैरह ये तो चेंज कर ही सकते हो। अब यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा, अब यहाँ पे जो आइकन है इनको चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आइकन के साइज को बड़ा करना है, ठीक है, इनके आइकन को साइज को छोटा करना है वो भी अपनी मर्जी से कर सकते हो, इनका शेप चेंज करना है जैसे कि फोटोज कुछ इस तरह का है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लीजिए, या फिर पेबल के अंदर कर लीजिए, या फिर दोस्तों जैसे आप नीचे जाओगे जो ऐप के नेम है इनको बड़ा छोटा करना चाहो तो इनको भी बड़ा छोटा कर सकते हो। और जैसे कि आप चाहते हो मुझे ऐप का नेम छिपाना है तो छिपा भी सकते हो, देखिए ऐप का नेम हाइड हो जाएगा और आपको इनकी जो शक्ल है उनको देख के ही पहचानना पड़ेगा। और जैसे कस्टम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला कर लीजिए, देखिए इनका पूरा शेप चेंज कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बहुत सारे शेप यहाँ पे मिलते हैं आपको। और यहाँ पे देखिए अंदर ये जो गैलरी है इसको आप ये छोटा मोटा कर सकते हो, देखिए छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, तो अपने मोबाइल को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी करना है आप यहाँ पे करके अप्लाई कर लेना, फिर आपके जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। और जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पर आपको कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे करता हूँ तो ये सब ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है, तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर के अंदर शो नहीं कराना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, देखिए हम करते हैं ये वाला कलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कलर करने के बाद ये देखिए मैं वापस चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ट्रेंडी कलर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंडी कलर हो चुका है, तो जो भी कलर आपका फेवरेट है वो कलर यहाँ पे आप कर सकते हो, देखिए जो भी ऑन करोगे वो कुछ इस कलर का यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए राउंडेड शेप के अंदर है, जिसको भी देखोगे आप गोल गोल यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आप चाहते हो यार मुझे इनको यहाँ पे राउंडेड शेप के अंदर नहीं जैसे ये वाला करना है तो ये वाला कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो जो आपको अच्छा लगता है वो इनमें से इजीली अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक YouTube की बहुत ही अच्छी सेटिंग बताता हूँ, जिसको देखने के बाद आप बोलोगे यार सच में मजा आ गया। जैसे कि यहाँ पे YouTube के अंदर हम कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये वीडियो चल रही है, अब आपको क्या करना है इसे लेके जाना है, बैकग्राउंड के अंदर जाना है। अभी देखिए आपका जो म्यूजिक है वो अभी भी बज रहा है, मतलब हम बाहर आ चुके हैं, इसको बंद कर दोगे तो भी आपका म्यूजिक जो है वो बजता रहेगा। तो दोस्तों ये ना यहाँ पे YouTube प्रीमियम के अंदर होता है पर आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो इसको जरूर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आप जब भी गाड़ी वगैरह के अंदर सॉन्ग वगैरह सुन रहे होते हो यूट्यूब से तो इसको मोबाइल को आप बंद भी कर सकते हो, तो आपके मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन, थोड़ा नीचे जाना है, ये देखिए स्पेशल फीचर, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्मार्ट साइड बार। अब यहाँ पे देखिए ये रहा स्मार्ट साइड बार, इसको ऑन कर लीजिए और फिर दोस्तों यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर स्क्रीन ट्रांसलेट, और भी यहाँ पे फाइल्स वगैरह या एडिट करके आप जो ऐप रखना चाहते हो, जिस ऐप को आप ज्यादा यूज में लेते हो वो ऐप यहाँ पे कर लीजिए, ताकि आपको बार बार ऐप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि इसके अंदर आपको पता होगा मिनी कैप्सूल, यानी कि आप यहाँ पे जब भी मोबाइल को चार्ज वगैरह लगाते हो तो कुछ इस तरह से शो होता है, तो वो कैसे ऑन कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, रियलमी लैब के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे मिनी कैप्सूल का ऑप्शन मिल जाएगा, अब यहाँ पे इसको ऑन कर लेना। अगर आपके ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए बैटरी स्टेटस, यानी कि बैटरी जब भी कम होगी तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा ऊपर आपको। वेदर आपको शो कराना है तो भी यहाँ पे कर सकते हो। डाटा यूजेज, यानी कि जब भी आपका इंटरनेट यहाँ पे कम हो जाएगा 90% वगैरह तो भी यहाँ पे आप शो करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इनको ऑन कर दीजिए जिसके अंदर भी आपको शो कराना है, फिर आपका मोबाइल भी एकदम आईफोन की तरह लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि मुझे फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाने हैं, किसी ऐप के लॉक लगाना है, या फिर किसी ऐप को ही हाइड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा प्राइवेसी का ऑप्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए प्राइवेसी यहाँ पे इधर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप लॉक के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कुछ भी लॉक लगा सकते हो, यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर लेना है, सेटिंग यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो भी लॉक लगाना चाहो वो लॉक लगा सकते हो, फिर किसी भी ऐप के आप इजीली लॉक लगा पाओगे। हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर किसी ऐप को हाइड करना है तो किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, जो हिडन ऐप्स है यानी कि जो हाइड किए हैं उनको देखने के लिए आपको यहाँ पे डायलर के अंदर आप डायल करोगे ना, हच
ये देखिए मैं दिखाता हूँ हज, ये 4x0 हज यहाँ पे डायल करोगे तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर करोगे तो आपके जो हिडन एप्स यानी कि जो ऐप आपने छिपाए हैं वो आपके शो हो जाएंगे, और जैसे भी एक जाएंगे प्राइवेट से ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी पासवर्ड लगा लेने हैं, फिर दोस्तों आप कुछ भी फोटोज वीडियोस वगैरह जैसे भी आपके फोटोज वीडियोस है वो यहाँ पे छिपा सकते हो, पर लोग थोड़ा सा मजबूत लगा लेना ताकि कोई भी यार आसानी से देख ना सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आपने देखा होगा काफी लोग क्या करते हैं, इसे डबल टैप करते हैं उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, और डबल टैप करते हैं उनका मोबाइल ऑन हो जाता है। तो हमारे मोबाइल के अंदर ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर इसे टैप करके रखना है, थोड़ा यहाँ पे साइड में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए एक तो इसको ऑन कर लेना है डबल टैप टू लॉक, और यहाँ पर देखिए डबल टैप टू इसको भी ऑन कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, और डबल टैप करते स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों इसका फायदा उठा सकते हो, आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि यार मुझे ना कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार कॉल का बोल के कोई दूसरी चीजें ना छेड़ दे, कोई मेरी पर्सनल फोटोज ना देख ले, या फिर दोस्तों जैसे कि आपके बच्चे आपसे बोलते हैं कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोज देखनी है पर पढ़ाई के लिए वगैरह कुछ भी, पर आपको शक है कि यार कुछ दूसरी चीजें ना छेड़ ले, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर जाना है, सिस्टम सिक्योरिटी दिख रहा होगा इसके ऊपर प्रेस कर देना है, सबसे नीचे जाना है ऐप पिनिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपने लॉक लगा रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से लॉक इजीली लगा भी सकते हो। ये देखिए जो भी लॉक लगाना है यहाँ पे, मैं तो आसान सा लगा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, आप कुछ भी लॉक लगाना चाहो लगा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे किसी ने कॉल के लिए मांगा है तो यहाँ पे रेसेंट एप्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है, आप इसको जितना चलाना चाहोगे चला सकते हो, पर बैक जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे। देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लो बैक नहीं जा पाओगे। अब बैक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाने के लिए आपको बैक बटन और जो रेसेंट एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है, और अब यहाँ पे आपका लॉग पूछेगा, तो जब तक आप लॉग नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉग खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। दोस्तों आपको बताऊंगा इस मोबाइल के अंदर 120 हर्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, तो 120 हर्ज कैसे कर सकते हैं, 60 हर्ज कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि यार आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है, तो भी इसके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं। जैसे कि आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे ही हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। अब यहाँ पे डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप चाहते हो कि यार मतलब नाइट में आप जब भी मोबाइल को चलाओ तो डार्क मोड कर लीजिए, इससे मोबाइल पूरा ब्लैक हो जाएगा और इसे चलाने में भी काफी अच्छा लगता है, और इससे बैटरी भी काफी कम ड्रेन होती है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लाइट मोड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और यहाँ पे जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग कलर आप कर सकते हो स्क्रीन के, जो भी कलर आपकी आंखों के लिए सही है वो कलर यहाँ पे कर लीजिए। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे आई कंफर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसको ऑन करोगे तो दोस्तों जब भी आप मोबाइल में चैटिंग वगैरह करते हो, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो इसको जरूर ऑन कर लेना, इससे आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, तो इसको यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अभी के लिए बंद करते हैं इसको और बैक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, यहाँ पे देखिए फॉन्ट को बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो, देखिए अगर आपको लगता है कि यार मुझे कम दिखाई दे रहा है तो फॉन्ट को बड़ा कर लीजिए, छोटी करना चाहो तो छोटी भी कर सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि जो आपकी डिस्प्ले रहती है उसको लार्ज कर लीजिए, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर स्टैंडर्ड स्मॉल जो भी आप करना चाहो वो यहाँ पे इजीली कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ही बैक चलते हैं तो यहाँ पे वीडियो कलर बूस्ट, दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज है, यहाँ पे इसको अगर ऑन करते हो तो कौन कौन से ऐप के अंदर सपोर्ट होना चाहिए वो यहाँ पे एग्री कर लेना है। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि यूट्यूब के अंदर देखते हो आप तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो काफी HDR के अंदर हो जाएगी, यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफी बेस्ट हो जाएगी। और जैसे यहाँ से बैक जाओगे यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन रिफ्रेश रेट, अब यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 120Hz कर लेना है, 60Hz कर लेना है, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है। दोस्तों आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो 120Hz के अंदर कर लीजिए, या फिर आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो 120Hz के अंदर ही रखनी चाहिए, पर इसका नुकसान ये है कि इससे बैटरी ड्रेन थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको कोई जरूरी काम करना हो 120Hz पे कर लीजिए, अगर बैटरी बचानी है तो 60Hz पर ही आपको रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन आता है, यानी कि आप किसी भी ऐप वगैरह को सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो, पर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो यहाँ पे मतलब ऐसे करूं तो ऊपर नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, मतलब कि नोटिफिकेशन बार के लिए आपको यहाँ से ऊपर से करना पड़ता है, पर आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ से करूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, तो जैसा आप चाहते हो वैसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, साइड में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ड्रॉर कर दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से ऐसे करूंगा नोटिफिकेशन बार आ चुका है, यहाँ से करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, जहां से भी आप करना चाहो नोटिफिकेशन बार
आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यहाँ पे ऊपर टाइम शो हो रहा है, ठीक है, इसके साथ में सेकंड्स भी शो होनी चाहिए, या फिर जो बैटरी का यहाँ पे लोगो इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर दोस्तों इंटरनेट की स्पीड शो कराना चाहते हो, या फिर एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए हैं, आप इनको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाते हैं, बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी, तो आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना रहता है, जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है, टाइम के ऊपर जाना है और यहाँ पे सेकंड्स कर लीजिए। अब ये देखिए ऊपर सेकंड्स भी चलने लग चुकी है और यहाँ पे बैटरी का जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से कर लीजिए, लूप वाला कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, काफी अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट वो यहाँ पे कर सकते हो। और जो बैटरी के परसेंटेज है वो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अभी देखिए बाहर, तो आप इसको अंदर कर लीजिए, मैं अंदर का यहाँ पे अच्छा लगता है तो बैटरी के अंदर कर लीजिए। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लीजिए, अभी देखिए यहाँ पे आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। अब जैसे यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ पे मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं तो जो जो हमने क्लियर किया पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद हो चुकी है और क्या टाइम मतलब किस टाइम में नोटिफिकेशन आया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके फ्यूचर के अंदर ना बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि मुझे एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग ऐप चलाने, जैसे कि दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो फोन पे अलग अलग नंबर से चलाने हैं, तो कैसे चला सकते हो मैं बताता हूँ। जैसे कि इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एप क्लोनर पे जाना है। अब यहाँ पर देखिए जिसको भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए फेसबुक को करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इसको ऑन करना है, क्रिएटिंग एप क्लोन यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये कुछ टाइम के लिए होगा और दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर दो यहाँ पे फेसबुक हो जाएंगे, देखिए एक फेसबुक ये रहा और एक फेसबुक ये रहा, आपके मोबाइल के अंदर दो अलग अलग फेसबुक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो मुझे एक साथ में दो एप्स चलाने हैं, जैसे कि आप चाहते हो मुझे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखनी है, साथ साथ में व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करनी है, तो जैसे कि आपको थ्री फिंगर से ऐसे करना है। अब यहाँ पे थ्री फिंगर से करने के बाद अभी मेरे मोबाइल के अंदर जैसे कि क्रोम ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर यूट्यूब चल रहा है और नीचे आपके यहाँ पे क्रोम भी चल रहा है, देखिए यूट्यूब को भी चला सकते हो साथ साथ में और यहाँ पे क्रोम को चलाना चाहो तो क्रोम को भी चला सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो मुझे एक साथ में दो एप्स को चलाना है, जैसे कि आप यूट्यूब तो चला ही रहे हो, अब चाहते हो कि साथ में मुझे व्हाट्सएप भी चलाना है, तो व्हाट्सएप तो मेरे मोबाइल के अंदर है नहीं, मैं जैसे कि गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए गैलरी तो चल ही रहा है साथ में और साथ साथ में यूट्यूब भी चल सकता है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो एप्स को आसानी से चला सकते हो। देखिए यहाँ पे किसी को लगेगा आप YouTube पर गाने सुन रहे हो, पर आप नीचे गैलरी भी चला सकते हो और इसको ऊपर नीचे लेके ले जाना चाहो तो वो भी लेके जा सकते हो, जैसे कि YouTube नीचे आ चुका है और ये जो गैलरी है वो ऊपर गया है, और जैसे कि मैं YouTube को यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से करोगे तो YouTube पूरा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो एप्स को चला सकते हो। यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार वीडियो को लाइक जरूर। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड बताता हूँ, जैसे कि आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को साथ में प्रेस करते हो तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, पर यहाँ पर जैसे कि थ्री फिंगर से ऐसे करोगे तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक फोटो के अंदर हमने इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है। और यहाँ पे एक तरीका और बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, जैसे कि थ्री फिंगर से ऐसे इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से ले सकते हो, देखिए इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इसके अंदर कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से अलग अलग स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आप चाहते हो कि नीचे के बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं ये मुझे मतलब नहीं दिखाने हैं, एकदम आईफोन की तरह इसको बनाना है, तो कैसे बना सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, नेविगेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और गेस्चर्स के ऊपर कर लीजिए। ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे अगर ये बटन हट जाएंगे चलाओगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखोगे नीचे के जो बटन से वो हाइड हो चुके हैं। अब बैक वगैरह कैसे जाओगे, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखोगे रेसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका आप फायदा उठा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका कोई दोस्त आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सा मोबाइल लेकर आया हो, आपके पास यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर कैमरा है, क्या उसके अंदर प्रोसेसर है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, अबाउट डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए, शेयर के ऊपर जाकर यहाँ पे जो मतलब आपके स्पेसिफिकेशन है
वो टोटल यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप अपने दोस्त को यहाँ से शेयर इमेज करके शेयर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मुझे पता होना चाहिए कि मैं पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज करता हूँ, तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, डिजिटल वेलबींग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 13 मिनट के लिए मैंने मोबाइल को यूज किया, 4 बार इसका लॉक खुला है, 7 नोटिफिकेशन आए हैं, तो मेरा मोबाइल भी एकदम नया है। आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आप पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज करते हो, और आप सिर्फ एक दिन के नहीं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे पूरे एक महीने की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पर जैसे कि आपने मतलब कौन कौन से एप्स को यूज किया है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप एक बार जरूर जाकर देखिए आपका जो कीमती समय है आप कितने घंटे तक बिता रहे हो अपने मोबाइल के अंदर। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। और दोस्तों यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपके इसके और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।